गाइस अभी ये लिपस्टिक के कलर्स, मिक्सिंग, ये सब कुछ आप अच्छे से सीख गए। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको लिप लाइनर एंड ऑल लगाना है अपने लिप्स पे, क्योंकि अभी आपने कलर थियरी के बारे में जान लिया, कलर्स कैसे मिक्स करना है वो भी आपको आ गया है, वार्म अंडरटोन, कूल ऑन, सब कुछ आपको पता चल गया। अभी मैं आपको बताती हूँ कि लिपस्टिक आपको कैसे लगाना है। तो लिप्स जो होते हैं गाइस, वो किसी किसी के पतले होते हैं, किसी किसी के मोटे होते हैं, किसी किसी के ठीक ठाक होते हैं, मीडियम होते हैं, और किसी किसी के अनइवन होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कम होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होता है। गाइस मेरी ड्राइंग बहुत खराब है तो प्लीज मेरे ड्राइंग पे ध्यान मत देना, मैं जो सिखा रही हूँ उस पर ध्यान देना। ओके, तो अगर किसी के लिप्स बहुत पतले है तो आपको उसको मोटा दिखाना है, तो आप लोग क्या करोगे, जो लिप लाइनर है ना, उनका जो ओरिजिनल लिप लाइन है, मतलब ये अगर मेरा लिप लाइन है ओरिजिनल, तो मैं उसको थोड़े से बाहर से लिप लाइनर, मतलब यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ऐसे बाहर आके मैं ऐसे लगाऊंगी लिप लाइनर। तो इससे क्या होगा, उनके लिप्स थोड़े से मोटे लगेंगे। अगर उनके ऊपर के ही सिर्फ मोटे दिखाने आपको, तो फिर बस यहाँ पे ही करना, और ये वाले जो उनका ओरिजिनल लाइन है उसके ऊपर ही आपको ड्रॉ करना है लिप लाइनर। बट अगर आपको नीचे का भी थोड़ा सा थिक दिखाना है, तो यहाँ पे भी आपको नीचे से थोड़ा सा लिप लाइनर लगाना है। तो ये हो गया किसी के थिन लिप्स है। अगर थिक लिप्स है, मतलब बहुत ही मोटे है, तो आपको क्या करना है, उनको अंदर से लिप लाइनर से लाइन देना है या लिपस्टिक लगाना है, ताकि उनके लिप्स थोड़े से पतले लगे। तो ऐसे आपको करना है। तो ये हो गया थिक लिप्स के लिए। अभी अगर किसी के अनइवन लिप्स है, अनइवन मतलब क्या, यहां से ठीक है और यहाँ पे ऐसा अनइवन है, तो आपको क्या करना है, यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करके जहां पे उनका इवन है उसके साथ उसको जोड़ना है, ताकि वो अनइवननेस कम होके ये एकदम प्रॉपर ऐसे लिपस्टिक दिखे। तो ऐसे आपको करना है। बहुत सारे ऐसे लोग लिप्स में प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, मतलब उनके अपर लिप्स है ना वो थोड़े से ब्लैक होती है, मतलब थोड़े से डार्क होती है, और नीचे के लिप्स थोड़े से पिंक होते हैं, मतलब अनइवन है, मतलब कलर अलग अलग है अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स का। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को मैक का एक शेड है गाइज, मैक का स्पाइस, डिसकलरेशन है ना लिप्स, उनके लिप्स पे आपको ऐसे मैक का स्पाइस पहले पूरा उनके लिप्स पे लगाना है। उससे क्या होगा, वो डिसकलरेशन को काटेगा और लिप्स को एकदम इवन कलर कर देगा, एकदम ब्राउन कलर कर देगा प्रॉपर, और फिर उसके बाद आपको जो लिपस्टिक लगाना है आप लोग लगा सकते हो। तो मैक का स्पाइस याद रखना। ओके, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ओम्ब्रे लिप्स, अगर आपको ओम्ब्रे स्टाइल में लिपस्टिक लगाना है गाइस, तो आपको क्या करना होगा, ये आपके लिप्स है, ओम्ब्रे लिप्स के टाइम पे आपको क्या करना है, आपके जो लिप्स के कॉर्नर्स है यहाँ पे आपको एक डार्क कलर लगाना है, यहां तक ऐसे डार्क कलर लगाना है लिप्स के कॉर्नर्स को, आपको डार्क करना है। एक बार आप लिप्स के कॉर्नर्स को डार्क कलर लगाओगे, फिर उसके बाद जो सेंटर ऑफ लिप्स है ना, वहां पे भी आपको एक डार्क कलर ऐसे लगाना है, और यहाँ पे भी पूरा लाइन कर लीजिए लिप्स को पहले डार्क कलर से ही, लिप लाइनर से पूरा ऐसे डार्क कलर से लिप लाइन कर लीजिए, और फिर एंड्स पे थोड़ा ज्यादा लगाइए, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लगाइए, और सेंटर पे भी डार्क कलर लगाइए, और ये जो बीच में कलर है ना यहाँ पे आपको लाइट कलर लगाना है। मतलब अगर आपने डार्क ब्राउन लगाया है एजेस पे लिप्स के, तो सेंटर में आपको लाइट कलर लगाना है, और यहाँ पे आपको डार्क लगाना है। तो ऐसे आप जब करोगे गाइस, तो एकदम ऐसे ओम्ब्रे इफेक्ट मिलेगा आपके लिप्स। अभी मैं आपको बताऊंगी मार्केट में कौन से लिपस्टिक के टाइप्स है और कौन से ब्रांड्स बेस्ट है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो गाइस जो मार्केट में लिपस्टिक के टाइप्स है, वो लिक्विड है, मैट है, क्रीम या सैटिन फॉर्म में है, ग्लॉस फॉर्म में है, या मेटालिक फॉर्म में है। तो ये सारे टाइप्स है, अभी इतने सारे टाइप्स है, बट कौन सा बेस्ट है वो हमें चाहिए, राइट? तो अगर आप लोग लिक्विड लोगे, तो लिक्विड एकदम बेस्ट है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही अच्छा दिखता है। और अगर आप लोग ऐसे बुलेट लिपस्टिक्स, मतलब ऐसे फॉर्म में जो लिपस्टिक्स होते हैं मैट के, वो भी लोगे तो भी वो भी अच्छा दिखता है। या तो फिर आप लोग क्रीम एंड सैटिन, जिसका फिनिश में थोड़ा सा शाइन होता है, सैटिन होता है, वो भी ले सकते हो। या तो ग्लॉस जो होते हैं वो भी अच्छे दिखते हैं, या तो फिर मेटालिक लिपस्टिक्स भी होते हैं। लिक्विड लिपस्टिक्स ऐसे होते हैं जो इनो ऐसे फॉर्म में होते हैं, और उसके साथ एक ब्रश आता है। तो अगर आप ये वाला कलर देखोगे, तो ये एकदम ऐसे आप देखने से लगेगा आपको कि ये कलर एकदम मुझ पे सूट करेगा, बट ये जैसे ही मैं कलर लगाती हूँ तो ये कलर बिल्कुल भी मुझ पे सूट नहीं करता है, क्योंकि ये एकदम पिंकिश न्यूड है। तो कोई भी पिंकिश न्यूड एक वार्म अंडरटोन पे कभी नहीं लगाना है गाइस, क्योंकि पिंकिश न्यूड, पिंक आ गया राइट नाम उसमें, तो वो है फेयर अंडरटोन के लिए।
फेयर स्किन टोन के लिए, तो आप लोग बिल्कुल भी ट्राई मत करना। तो ये एकदम आपको क्या करेगा, वॉश्ड आउट दिखा देगा। वॉश्ड आउट मतलब क्या, एकदम ही आप पेल लगोगे, अच्छे नहीं लगोगे, ऐसे लगेगा कि कुछ तो भी लगाया है। लोगों को वार्म अंडरटोन वालों को हमेशा थोड़ा सा ब्राउन न्यूड लेना है। अगर आप लोग डार्क हो तो भी आपको ब्राउनिश न्यूड ही लेना है। अगर आप लोग फेयर हो तो आप लोग ऐसे पिंकिश न्यूड ले सकते हो। और न्यूड लिपस्टिक के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि न्यूड आपको हमेशा आपके स्किन टोन के हिसाब से लेना है, आपके लिप्स के कलर के हिसाब से नहीं। तो मेरे लिप्स पिंक है इसलिए मैंने ये पिंक कलर का न्यूड लाया था, तो जो आपने देखा कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। तो अगर मुझे ये चलाना है, मतलब अगर मुझे ये यूज करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करूंगी और फिर लगाऊंगी, तभी अच्छा दिखेगा। तो ऐसे ही मैं मिक्सिंग करती हूँ गाइज। तो ये हो गया लिक्विड लिपस्टिक। लिक्विड के बाद आता है गाइज मैट लिप्स। गाइज मैट लिपस्टिक ये है जो एकदम ही नो ऐसे लगाने के बाद बहुत ही अच्छा फिनिश देता है, एकदम मैट, बिल्कुल शाइन नहीं होता है बट बहुत प्यारा दिखता है। बट मैट लिपस्टिक का एक ही ड्रॉबैक है कि अपने लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है वो, इसलिए आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के मैट लिपस्टिक्स यूज करने हैं। अगर आप लोगों ने वेट एंड वाइल्ड ऐसे सब बहुत ही जो कम में मिलते हैं ऐसे लिपस्टिक्स यूज किए ना, तो गाइज आपके लिप्स इतने ज्यादा ड्राई हो जाएंगे कि मतलब बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा लगाने के बाद। बहुत ही आप हंस भी नहीं पाओगे ठीक से, इतना वो ड्राई कर देगा। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको मैट लिपस्टिक यूज करना है तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना है आपके लिप्स पे, लिप बाम लगाना है एकदम कंपलसरी। जब भी आप लोग मेकअप करते हो ना, तभी आपको एक लिप बाम लगा के अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना है, ताकि आपका पूरा मेकअप हो जाएगा तभी आपको एंड में फिर लिपस्टिक लगाते हो, आपके लिप्स एकदम सॉफ्ट रहेंगे, तो आपको वैसे करना है। सेकेंड, अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा फट गई है और बहुत ज्यादा स्किन उसकी निकल गई है और फिर भी आपको मैट लगाना है, तो आपको एक दिन पहले स्क्रब करना होगा आपके लिप्स को और उसके बाद आपको मैट लिपस्टिक लगाना होगा। स्क्रब करते टाइम पे एक बात याद रखिए कि स्क्रब करने के बाद लिप्स और ज्यादा ड्राई होते हैं, तो बहुत जरूरी है आपको एक मॉइस्चराइजिंग पैक लगाना उसके बाद। तो आप स्क्रबिंग के लिए सादा ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हो गाइज, उससे भी स्क्रब अच्छा होता है। ब्राउन शुगर और हनी भी यूज करके थोड़ा स्क्रब करोगे तो भी चलता है। मैं एक सेपरेट वीडियो डालती हूँ, अगर आपको चाहिए एक DIY स्क्रब का तो मुझे बताना है कॉमेंट सेक्शन में, एक सेपरेट वीडियो डालूंगी लिप स्क्रब एंड पैक का, आप लोग क्या यूज कर सकते हो। बट अभी बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आपको मैट लिपस्टिक लगाना है तो लिप्स को बहुत अच्छा मोइए और बहुत सॉफ्ट होने चाहिए लिप्स जब आप लोग मैट लिपस्टिक यूज करते हो, नहीं तो आपके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मैट लिप्स। और एक क्रीम और सैटिन फिनिश का है गाइज, जो हम लोग ना पहले से ऐसे लगाते हैं, तो आप देखोगे इसमें थोड़ा सा शाइन है और इसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं है मैट में, तो यही फर्क है मैट में और क्रीम। तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है मैट क्रीम से भी, बट डिपेंड्स, अगर आप लोग पार्टी लुक में जा रहे हो ऐसे कुछ भी है तो मैट भी अच्छा दिखता है। तो लिक्विड लॉन्ग लास्टिंग होता है, मैट भी लॉन्ग लास्टिंग होता है, और क्रीम और सैटिन इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है जितना लिक्विड लिपस्टिक होता है। और ग्लॉस, अगर आप लोग रिसेप्शन है, पार्टी है, तो उसमें आप थोड़ा सा ग्लॉस यूज कर सकते हो। और मेटालिक लिपस्टिक्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा शिमर होता है, तो ऐसे शाइन होता है, तो ये भी नाइट पार्टीज के लिए अच्छा लगता है, रिसेप्शन पार्टीज के लिए ऐसे सब आप लोग मेटालिक लिपस्टिक्स भी लगा सकते हो। तो मैं आपको बस जल्दी से बताती हूँ कि ब्रांड्स कौन से बेस्ट है लिक्विड में। तो गाइज ब्रांड्स मैंने अभी यहाँ पे लिखे है, तो अगर आप देखोगे लिक्विड लिपस्टिक में जो सबसे अच्छे ब्रांड्स है वो है हुडा, एनेस्थेशिया, निक्स, फॉरएवर 52 एंड मेबिलिन। तो गाइज हुडा और एनेस्थेशिया थोड़ा महंगा है, तो इसीलिए आप लोग ये स्किप भी कर सकते हो। बट अगर आप फॉरएवर 52 के भी लिपस्टिक्स लोगे तो वो भी बहुत अच्छा है, या तो फिर मेबिलिन का भी लिक्विड लिपस्टिक सुपर्ब है, तो आप लोग मैट लिक्विड लिपस्टिक उनका ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है हाई एंड ब्रांड्स पे, बट फिर भी मेरा काम है आपको दोनों बताना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप लोग हुडा, एनेस्थेशिया, निक्स या फॉरएवर 52 या मेबिलिन, तो इसमें से कोई भी ले सकते हैं लिक्विड। अगर आपको मैट लिपस्टिक खरीदना है, बुलेट लिपस्टिक्स, तो मैट के अच्छे है, फॉरएवर 52 के अच्छे है, निक्स के अच्छे है, कलर बार के अच्छे है, कलर बार एकदम अफोर्डेबल और बहुत अच्छा है उनका मैट लिपस्टिक। फिर क्रीम या सैटिन में अगर आपको खरीदना है तो मैक या मेबिलिन ले सकते हो। और ग्लॉस गाइस थोड़ा सा शाइन होता है, कोई कलर नहीं होता है उसमें, एकदम शाइन देता है वो अपने लिप्स पे, तो आप लोग फेंटी के बहुत अच्छे है ग्लॉस, जो उनका ये ग्लॉस बॉम है वो बहुत अच्छा है, या मैक का, या किको मिलानो का भी बहुत अच्छा है, या निक्स का। तो किको मिलानो एकदम अफोर्डेबल है, आप लोग उनका यूज कर सकते हो। या तो मेटालिक अगर आपको चाहिए तो हुडा का बहुत अच्छा है गाइस, बट मेटालिक मोस्टली इतना जरूरत पड़ता नहीं है गाइस, आप लोग थोड़ा सा आई शेडो भी लगा दोगे ना लिपस्टिक लगा के, तो भी वो मेटालिक हो जाता है। बट वैसे तो हम लोग मेटालिक लिपस्टिक ज्यादा लगाते भी नहीं है, मैट ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर आपको खरीदना है तो आप लोग हुडा का चेक कर सकते हैं। अरे लिपस्टिक्स टाइप्स है और ब्रांड्स है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और अफोर्डेबल में मेबिलिन, निक्स, कलर बार है, किको मिलानो है,
तो इनके भी लिपस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, शुगर के बहुत अच्छे हैं, और यू नो एनवाई बे के बहुत अच्छे हैं जो पर्पल पे मिलता है, तो ये भी सब बहुत अच्छे हैं। अगर आपको मेबेलिन लिपस्टिक खरीदना है तो बहुत ही अच्छा है गाइज, आप लोग वो खरीद सकते हैं। और लिक्विड लिपस्टिक एकदम लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, तो अगर आप लोग नायका के साइट पे देखोगे तो ये है मेबेलिन का लिक्विड लिपस्टिक। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा शेड खरीदना चाहिए, इतना तो पता चल ही गया होगा कि वार्म अंडरटोन है तो कौन से लिपस्टिक अच्छे दिखते हैं। अगर आप यहाँ पे ऐसे देखोगे तो यहाँ पे वो लोग स्वॉचेस भी बताते हैं कि कैसे दिखता है, वो भी आप देख सकते हो। या तो फिर आप लोग यहाँ पे अगर ये लिस्ट देखोगे तो इसमें भी अच्छा खासा उन्होंने बताया है कि रेड कौन से लिपस्टिक्स है, ब्राउन्स, कॉरल्स, वाइन्स, तो ये सारा लिस्ट उन्होंने दिया हुआ है। फर्स्ट टाइम जब लिपस्टिक का मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तभी भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप वार्म अंडरटोन के हो तो आप लोगों को कॉरल रेड बहुत अच्छा दिखेगा, अगर आप लोग फेयर हो तो आप लोगों को पिंक अंडरटोन वाले लिपस्टिक्स बहुत अच्छे दिखेंगे, डार्क हो तो आप लोगों को वाइन बहुत अच्छा दिखेगा। न्यूड खरीदना है तो आपको बस इतना ही देखना है, वार्म हो गाइस तो वार्म अंडरटोन में न्यूड खरीदना है आपको तो आप लोगों को वार्म में ऑरेंज ब्राउन खरीदना है, वही आपको सूट होता है। तो ऑरेंज ब्राउन इसमें अगर आप देखोगे तो वर्सेटाइल जो है वो एकदम ऑरेंज ब्राउन है, वो बहुत अच्छा दिखेगा आप पे अगर आप लोग वार्म न्यूड हो। अगर आप लोग फेयर न्यूड हो तो आप लोगों को सिडेक्ट्रेस बहुत अच्छा दिखे। एक ब्राउन लिपस्टिक तो हर एक के पास होना ही चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग दिखता है। वार्म हो गाइस तो आप लोगों को जो ब्राउन अच्छा दिखेगा वो है फाइटर, बहुत अच्छा दिखेगा सीकर, बहुत अच्छा दिखेगा। अगर आप लोग कूल अंडरटोन के हो तो आप लोगों को जो ब्राउन अच्छा दिखेगा एमेजोनियन बहुत अच्छा दिखेगा, तो ऐसे सब आप यू नो देख के खरीद सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने जो भी फेवरेट्स है वो यहाँ पे लिस्ट बनाया है गाइस, जो बहुत अच्छा दिखेगा हर एक स्किन टोन पे। तो इनिशिएटर, फाउंडर, फाइटर, फिर सीकर, पायोनियर, एमेजोनियन, रूलर, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट एक बहुत ही अमेजिंग कलर है गाइस, पर्पल कलर है, तो आप लोग इसको किसी भी लिपस्टिक के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हो, पिंक के साथ आप कोई भी लिपस्टिक लोगे तो भी गाइस आप लोग मिक्स एंड मैच कर ही सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि कैसे आपको मिक्स एंड मैच करना है, और ट्रांसफॉर्मर, ये सारे स्किन टोन्स पे अच्छे दिखेंगे गाइस। और अगर आप लोग फेयर हो तो पिंकिश न्यूड आपको लेना है, पिंक न्यूड जो है वो मोस्टली फेयर लोगों को अच्छा दिखता है। अगर आप लोग वार्म हो तो सिडेक्ट्रेस मत खरीदिए, इसमें से आप लोग खरीद सकते हो। मैंने ब्राउन, बेरी, ये ब्राउन है, ये बेरी है, पिंक, रेड, ये पूरा लिस्ट यहाँ पे बनाया है, तो आप लोग देख सकते हो, जो भी आपके स्किन टोन के हिसाब से आप लोग चेक करके खरीद सकते हो। तो आई होप गाइज ये जो लिस्ट है ये आप लोगों को हेल्प होगा लिपस्टिक खरीदने में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना और बेल बटन भी जरूर क्लिक करना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले पता चले। और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक, टिल देन बाय एंड टेक केयर।